साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे इनकी 101वीं जयंती के उपलक्ष्य पर साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट चीज भवन नागपुर द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्त संकलन डागा स्मृति शासकीय स्त्री रुग्णालय द्वारा किया गया। साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया, जिसके बाद रक्तदान शिविर की शुरुआत हुई। इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष लानू इंगे व अन्य अतिथि उपस्थित थे। साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अन्नाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट चेंज भवन द्वारा अन्नाभाऊ साठे इनका जन्मदिन साथी पर्व मनाया गया। अन्नाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अन्नाभाऊ साठे इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन डागर स्मृति शासकीय स्त्री अस्पताल के सहयोग से किया गया। इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। कोरोना काल में ऐसे रक्तदान शिविर की जरूरत है, इसी के मद्देनजर आज अन्नाभाऊ साठे इनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, ऐसा ट्रस्ट के अध्यक्ष लानू इंगे द्वारा बताया गया। आज अन्नाभाऊ साठे की 101 जयंती के उपलक्ष्य में मातंग समाज का हमारे चीज भवन के अंदर में अन्नाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट है और हमारे पूरे समाज के मान्यवर लोग यहाँ पे अभी उपस्थित है और हम अन्नाभाऊ साठे की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए हैं। हमारे अन्नाभाऊ साठे के जयंती के उपलक्ष्य में हमारा ट्रस्ट का, हमारे पूरे मातंग समाज के पूरे संगठनों का ऐसा संकल्प है कि ये कार्यक्रम को हम और बहुत अच्छे पैमाने पे, अभी मेन बात क्या हो रही है कि कोरोना का काल चल रहा है और ये सब बंद और ये सब वातावरण में हमारी जो खुशी है और हमारी जो इच्छा है, हमारे को जो खुशी मनाने का जो है ये है, पर ये इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बहुत ये है तो भी हमारी पूरी समाज और पूरे हमारे ट्रस्टी लोग यहाँ पे हाजिर है और हम रक्तदान के साथ में अन्नाभाऊ साठे की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे, बस इतना ही है। हम हमारे तरफ से और हमारे पूरे मातंग समाज के तरफ से, पूरे समस्त मातंग समाज के तरफ से हमारे पूरे नागपुर वासियों को और हमारे पूरे मित्र मंडली को और पूरे नागपुर की जनता को हमारे तरफ से जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नाभाऊ साठे इनके जयंती के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक विभाग के विभागीय अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर सिद्धांत गायकवाड़ इन्होंने कहा कि आज के दौर में अन्नाभाऊ साठे इनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ रीजनल डिप्टी कमिश्नर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे खुशी है कि सभी ये जो साथी है इसके पहले सारी बात की जानकारी आपको दिए है, फिर भी मैं सभी को अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो यहाँ जो ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट के माध्यम से जो ये इस महापुरुष के विचारों का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, इसलिए मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी लहानू जी है, उनके सभी साथी है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी से गुजारिश करता हूँ कि जो अन्ना भाऊ जी ने जो बातें हमें सिखाई है जीवन में कैसे रहने का और दूसरे के प्रति कैसा आदर भाव रखने का, इस बात को ये सारे ट्रस्ट के माध्यम से उनके सारे जो अनुयायी है और उनको जो चाहने वाले है वो उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नगर सेविका श्रद्धा पाठक द्वारा साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे इनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अन्नाभाऊ साठे इनके विचारों पर चलने से अपने उद्देश्य तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। साहित्य भूषण लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त खूप खूप सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देते। त्यांनी जो काही आपल्याला मेसेज दिला आहे, जी शिकवण दिली आहे, त्या शिकवणीवर जर आपण चाललो तर नक्कीच आपण आपल्या उद्देशापर्यंत पोहोचू शकतो। हीच एक श्रद्धांजली, हेच एक अभिवादन आमच्या सगळ्यांकडून अन्नाभाऊंना अर्पण करते। धन्यवाद। आज अन्नाभाऊ साठे इनकी 101वीं जयंती बड़ी ही सादगी से मनाकर रक्तदान शिविर के माध्यम से सामाजिक दायित्व निभाया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।